कुरुक्षेत्र से पहले आता है, कभी मत रुकना इस पे, लुटेरे है ये लुटेरे। तो गाइस मुझे दिखने में प्रॉब्लम होने लगी थी थोड़ी, लेफ्ट थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने जा रहा था। उस बीच में वहाँ पे स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड तीन देखे, एक माँ और दो बच्चे। अभी मैं जा रहा हूँ, दिल्ली से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ हिमाचल। मेरा प्लान है अटल टनल को क्रॉस करने का और स्पीति और लाहौल में एंटर करने का। 14 घंटे का रास्ता दिखा रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे को 2 दिन लगेंगे। मैं 1 दिन बीच में बिलासपुर या बिलासपुर से थोड़ा आगे कहीं पर रुकते हुए फिर जाऊँगा। शुरू करते हैं जर्नी। क्लबिंग है एक्चुअली, नेल्स की क्लबिंग बोलते हैं ने, और ये होती है किसी लंग की किसी डिजीज के वजह से होती है। तो मैं सोचा कमेंट में क्या बताऊंगा, यहीं पे बता देता हूँ सबको। मेरे को एक्चुअली स्मोकिंग करने का बहुत वो था, स्मोकिंग की एडिक्शन थी मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो स्मोकिंग की एडिक्शन की वजह से मेरे लंग्स जो है वो इफेक्ट हुए हैं। अभी मैंने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दी है, मैं बिल्कुल स्मोक नहीं करता हूँ। मेरे करीब 15 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन आप 15 दिन रेगुलर कंटिन्यूसली स्मोकिंग छोड़े हुए मुझे ज़माने हो गए थे। तो आई होप मैं दोबारा से रिलैप्स ना हूँ और स्मोक दोबारा ना करूँ। ड्रिंक तो आपको पता ही है मैंने काफ़ी पहले छोड़ दी थी, पिछले साल क्रिसमस पे मैंने लास्ट टाइम ड्रिंक करी थी, उसके बाद से नहीं करी है। और स्मोकिंग मैंने अभी 15 दिन पहले छोड़ दी है। तो आई होप ये नेल्स जो है मेरे दोबारा से रिकवर हो जाए, अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो चलते हैं। और इस वक्त एलिवेशन है हमारा 196 मीटर की हाइट पे है हम लोग इस वक्त, मतलब दिल्ली भी 196 मीटर की हाइट पे होता है। मुझे लगता था दिल्ली 0 मीटर होता है, मतलब सी लेवल पे ही होता होगा। मुझे रिसेंटली पता चला है कि दिल्ली जो है वो 196 मीटर की हाइट पे है, मतलब हम सी लेवल से 200 मीटर ऊपर रहते हैं दिल्ली वाले। आग लगी हुई है गाइस, आग लगी हुई है। अरे गाड़ी के अंदर तक स्मेल आ रही है, मेरा फोन भी गिर गया। ओहो स्टॉक मार्केट में फिर से प्रॉफिट हुआ है, पूरी की पूरी मार्केट डाउन है, लेकिन कन्हैया मुझे प्रॉफिट करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। तो एक साल का मेरे घूमने फिरने का खर्चा मेरे पास निकल चुका है स्टॉक मार्केट से। तो अब एक साल के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक साल मैं चिल मार सकता हूँ, मस्त मजे कर सकता हूँ, घूमूंगा फिरूंगा ऐश मारूंगा पूरे हिंदुस्तान में। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं हिमालय में ही घूमूंगा, मुझे सिर्फ बीचेस पसंद है और मुझे माउंटेन्स पसंद है। मुझे बीच का जो ये इलाका है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो या तो मैं हिमालय पे मिलूंगा या मैं गोवा और साउथ के किसी बीचेस पे मिलूंगा। पता नहीं क्या हुआ गाइस, अचानक से रोक लिया पुलिस वालों ने, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं मैं तो भगा ली, जी वैगन जा रही है गाइस, शायद नहीं पक्का हुई है, बहुत ही तेज निकल गई है। जी वैगन तो नहीं पकड़ पाएंगे हम, या शायद पकड़ भी ले। आई गेस हमने पकड़ लिया है G350D। सुंदर लग रही है सफ़ेद रंग में, तो और बढ़िया लग रही है। आगे से इसकी लाइट देखने का मन कर रहा है, गोल गोल वाली मर्सिडीज का साइन दिख रहा है आपको। चलो अब इसको ओवरटेक करते हैं, बहुत हो गए ड्रामे बाजी। मेरे साथ रेस लगा रही है, जी वैगन मेरे साथ रेस लगा रही है, देख लो। पीछे ही रहो, पीछे ही रहो। यहाँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाना चाहिए गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और मन कर रहा है कुछ चिल्ड सा मिल जाए, एकदम ठंडा ठंडा। दो दे दो, एक दे दो।
500 का हो जाएगा, 500 का चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं असल में देख लो मेरे पास भी खुले आ जाएंगे, मुझे खुले की जरूरत नहीं थी। क्या करूँ फिर, पेटीएम करूँ? पेटीएम करूँ? कितने चालू है गाइस, कह रहे 50 रुपये दो, 20-20 की आती है, 40 रुपये बनते, कहते 5-5 रुपये एक्स्ट्रा दो। किस बात के भाई, मैं तो नहीं दे रहा, कोई सेंस बनता है? ये देख लो गाइस, ये ढाबा रॉयल हट ढाबा कुरुक्षेत्र से पहले आता है, कभी मत रुकना इस पे, लुटेरे ये लुटेरे। 5 रुपये तो बहुत दूर की बात है गाइस, मैं एक पैसा भी फालतू ना दूं। किस बात के कहते हैं सभी लेते हैं, पूरी दुनिया लेती है 5 रुपये फालतू। मैं रोज लेने वाला हूँ स्टिंग, रोज पीता हूँ मैं स्टिंग, मेरे तो आज तक एक जने ने 1 रुपया भी नहीं मांगा, ये पहले जने थे जिन्होंने मुझसे मांगे 5 रुपये फालतू। स्टिंग नहीं है भैया, स्टिंग बोतल वाली नहीं है? कितने की होती है ये, 50 की एक होती है ये? अरे वाह, यहाँ पे तो ये भी है, ये ले ले तो यार बहुत जरूरी है ये, तो दो ही ले ले तो, दो ही बहुत है। ये बढ़िया चीज मिल गई गाइस मुझे, और एकदम चिल्ड है। तो गाइस दुनिया में ड्रिंक एंड ड्राइव सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं, और हम उनमें से एक है। एक बारी को पुलिस को लगेगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन समझाने पे समझ ही जाएगी, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक। वाह, चलो चलते हैं, शाम होने से पहले पहाड़ के ऊपर पहुंचना है हमें। और मैं अभी हूँ रूपनगर के आसपास कहीं पे, मतलब रूपनगर थोड़ा आगे रह गया, तो मतलब और 1-1.5 घंटे में पहाड़ वहाड़ आ जाएंगे। गाइस फाइनली पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी है मैंने, और टाइम हो रहा है अभी 4:46, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया जाम वाम की वजह से, लेकिन ये आपके सामने दिख रहा होगा रोड जा रही है ऊपर, ये पहली चढ़ाई है पहाड़ की हमारी, और हाँ सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो ये पहाड़ वाला पहला व्यू है इस रोड ट्रिप पे। सो गाइस रात हो चुकी है, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ रुकने के लिए, और टाइम हो रहा है 6:32, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा जल्दी है रुकने के लिए, 7:30 तक रुकूँ तो ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ जगह ढूंढते ढूंढते टाइम लग ही जाएगा इतना तो। तो गाइस मुझे दिखने में प्रॉब्लम होने लगी थी थोड़ी, एनीवेज यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं, पीछे पेट्रोल पंप, ये खड़ी है हमारी गाड़ी। टाइम हो रहा है इस वक्त 6:44, टेम्परेचर है अभी 19, और रात को 13 भी जाएगा 10 बजे के आसपास। खैर सनसेट देख रहा था, बड़ा मज़ा आया, और ये निकल गया मून। यहाँ पे एक ढाबा भी है गाइस, मैं देखता हूँ कुछ खाना वाना देख लेता हूँ यहाँ से, कल सुबह निकलेंगे अब। तो गाइस अभी मैं बिलासपुर पे हूँ, और दाल तड़का चावल और आलू पराठा मंगवाया है। गाइस ऑल्टीट्यूड हमारा हो चुका है 2002 feet, 2002.9। थैंक यू, हाँ खाता हूँ फिर मिलते हैं, दाल चावल आएंगे वो भी दिखा दूंगा। अचार दे दे भाई, अचार अचार। करारा होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, बढ़िया है। चावल दाल तड़का प्लेट, आलू का पराठा खा चुका हूँ, नाइस। आपने ड्रैगन बॉल जी में गोकू को खाते हुए देखा था? तो
कभी कभी दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसी यादें आ जाती है। आज का डिनर तो खत्म गाइस, शेड्स मैंने लगा लिए, टाइम हो गया 7:46। अभी मैं करूंगा एडिटिंग अपनी और फिर मैं सो जाऊंगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है बिलासपुर, मैं इस वक्त बिलासपुर पे हूँ। और सामने बिलासपुर का वाटर एरिया है, यहाँ से 270 किलोमीटर दिखा रहा है 6 hours 44 minutes और सुबह के 6:40 AM हो रहे इस वक्त। So guys, मुझे अभी भी कुछ दिखा है, पता नहीं क्या दिखा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। बड़ा मस्त लग रहा था, साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा था। मुझे एक सेकंड को तो लगा जैसे स्पेसशिप होते हैं ना, टेक ऑफ करने वाले होते हैं, उसके जैसा, उसके बेस के जैसा कुछ है। सही लग रहा है ना? पर वाओ गाइस, व्यू देखो यार, रिवर बह रही है यार, बहुत ही मजेदार रास्ते आ रहे हैं गाइस, बहुत ही मजेदार। वाओ वाटरफॉल देख लो गाइस, वाटरफॉल। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुका हुआ यहाँ पे, ये खड़ी मेरी गाड़ी और जगह है ठाकुर ढाबा। अंडे वाला मिक्स पराठा ऑर्डर किया है। कब आए फिर आप? आज ही आए मैं, हाँ मतलब कल निकला था, एक रात को बिलासपुर पे रुक गया था, आज पहुंच जाऊंगा वापस। बर्फ वर्फ तो मिल जाएगी वहाँ पे? मनाली में भी होगी क्या बर्फ? मनाली में नहीं है ना। मस्त आलू पराठा खा लिया है गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ। सो गाइस अभी अभी इस वाली शॉप से मैंने ये वाले शेड्स खरीदे, आई होप अच्छे लग रहे हो। बहुत ज्यादा शाइन पड़ रही थी ना बर्फ में से रिफ्लेक्ट होके, कैसा लग रहा हूँ? सही है, तब से इस वाले पहाड़ को देखता हुआ आ रहा था, ये जो है ना बीच में ये वाला, हम इसके पास ही पहुंच गए ऑलमोस्ट। कुछ लोग अचानक से इतने बढ़िया नजारे देख लेते हैं कि वो रुके जाते हैं रास्ते में, जब चलते हुए रास्ते पे रुक गए, जो दिख रही है सड़क कितनी छोटी है, ये आगे है ना, ये कौन है ये थार वाला भाई, रास्ते के बीच में रुक गया, ये कितने पास पहुंच गया। देखो मैं उस पहाड़ के गए, बर्फ नीचे दिखने लग गई अब तो। गाइस एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है, सोलांग वैली से आगे मैं आया हूँ अभी निकल के, लेकिन यहाँ पे आना अलाउड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे सिर्फ 4x4 को ही वो कह रहे हैं कि 4x4 ही जा सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ भैया, मुझे जाने दो प्लीज, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने पार्किंग के अंदर कहीं पे घुसा ही वहाँ पे, फिर वहाँ से मैं निकल कर आया बाहर, फिर एक बार मैंने एक गाड़ी को जाते हुए देखा, वो 4x4 नहीं थी और उसने फ़ोन पर बात करवाया था पता नहीं किससे। तो मैंने कहा कि भैया ये बीबी तो गई है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी है जाना। तो उन्होंने कहा जाओ जाओ जाके देखाओ, बहुत दूर से आए हो ना, अब जाओ जाके देखाओ कि क्या हाल है आगे। तो मैं आ गया हूँ निकल के, वो कह रहे हैं वापस तो आपको आना ही पड़ेगा, जा तो सकती नहीं हो, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे बर्फ ही बर्फ दिख रही है लेफ्ट राइट हर जगह। ये देखो लोग साइकिल में आए हुए, यहाँ तो लग रहा है गाइस जैसे बर्फ कुछ ज़्यादा ही गिरी है, मतलब कम से कम 8-10 feet ऊपर लग रही है मुझे तो। कीचड़ नहीं मिलनी चाहिए बस, कीचड़ के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो क्या लिखा है गाइस, वेलकम टू दी वर्ल्ड्स, अरे अरे हट गया, वेलकम टू दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 feet, ये लिखा हुआ था। जाने दे गाइस, काश जाने दे गाइस।
जाने दियो गाइस, गाइस जाने दियो, गाइस जाने दियो, ओ गाइस जाने दियो, ओ वाओ, ओए, ओ बेटा, जहाँ किसी को आना अलाउड नहीं है वहाँ मुझे जाने दिया गाइस, मुझे जाने दिया गाइस, मुझे जाने दिया गाइस, मैं तो बहुत ही खुश हूँ गाइस, मेरा आ गया गाइस। लेफ्ट मैं उधर जा रहा था जिसपा क्या करने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने जा रहा था वापस हो जा यहीं से आगे नहीं जाने दे रहे परमिशन लगती है आगे परमिशन लगती है अरे अब इतना दूर आ गया हूँ भैया मैं परमिशन लगती है रुको मैं बात करके आता मना कर रहे थे जाने के लिए तो अब सीन क्या हुआ है मुझे बुकिंग लेनी पड़ी है होटल की कहते या तो जो रहता है वो जाएगा या जिसकी होटल की बुकिंग है वो जाएगा मैंने 1600 रुपए का एक होटल का रूम बुक करवाया है ये होगी होटल बुकिंग केलोंग की है मैंने होटल बुकिंग 1600 रुपए की बाप रे कोई बात नहीं एक दिन की है ओके तो लेफ्ट जाना है हमें अपने केलोंग और जिसपा के लिए राइट हमें नहीं जाना वैसे राइट जाके काजा वगैरह आ जाता है तो फुल बर्फ हो रखी है सड़क पे तो मस्त वाली अरे 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 पता भी नहीं कौन सा होटल है क्या है उस होटल का मामला कुछ नहीं पता मुझे मैं तो बस जो दिखा मुझे सबसे पहले मैंने वही करवा दिया बुक ओ बेटी की जान रास्ते देखो अबे 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 अभी अभी वो जीप एक पानी की उसमें से निकली और बहुत ज्यादा पानी उछला था बहुत ही ज्यादा उछला था पानी इतना ज्यादा उछलना नहीं चाहिए था यहाँ पे और ये तो पूरा पानी पानी हो रखा है भाई साहब क्या हो रहा है हम तो आराम से जाएंगे गाइस आई स्वेयर मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है मतलब मुझे लग रहा है बस मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई है ही नहीं यहाँ पे ये क्या है भाई झरना भी बह रहा है यहाँ पे देखो कैसे बर्फ ही बर्फ हो रखी है भाई साहब नदी के किनारे ये आगे दिखानी होगी कहीं ये रखने संभाल के आपने हाँ डिस्ट्रिक्ट लाहौल का है ना ये अच्छा ये ना ठीक है मतलब दिखाना होगा ना मतलब आगे ठीक है मुझे पता भी नहीं है मैं सही जा भी रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ जीपीएस बार बार बंद क्यों हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा एक सही सी जगह मिली तो मैं थोड़ा सा रुका अरे इसकी कर रहा है कोई ज्यादा ही बर्फ है भाई बहुत ही ज्यादा बर्फ है क्या बर्फ है गाइस लाहौल में आपका स्वागत है गाइस मेरे ख्याल से नीचे से जो हम बर्फ वाले पहाड़ देख रहे थे वो यही देख रहे थे ना जो सामने है ये और अभी मैं इन्हीं के पास पहुंच गया हूँ इन्हीं के पास इन्हीं के ऊपर ही हूँ ये भी नीचे से दिख ही रहा होगा मुझे कहीं ना कहीं से गाइस क्या आप में से किसी को पता है मैं कहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ पर मुझे लग रहा है जैसे मैं स्विट्जरलैंड में हूँ वो घर देखो यार वाओ क्या घर है फिर मूवीज में देखे थे मैंने ऐसे घर क्या मस्त लग रहा है लेकिन बर्फ इतनी शाइन मार रही है ना बिना शेड्स के देखा भी नहीं जा रहा मैंने शेड्स पहने हुए अभी एक सेकंड को नीचे किए और बाप रे क्या करूँ गाइस इतनी खूबसूरती का मैं क्या करूँ
क्या जन्नत है यार, पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं हर जगह, ऐसा लग रहा है जैसे लैंडस्लाइड वाले पहाड़ है। और पता है जब चलाते हुए जा रहे हो ना तो आवाजें भी आ रही है, फील हो रहा है कि पहाड़ में से कुछ गिर रहा है, मिट्टी खिसकने लग रही है, ऐसा फील हो रहा है। मुझे तो हर चीज की इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, टांडी ब्रिज गाइस जो दिख रहा है मुझे उतनी की एक्साइटमेंट हो रही है। वाओ, अरे वाओ, ये देखो गाइस, बाप रे गाइस, ये है वो बियॉन्ड रोहतांग। और गाइस ऐसे रास्ते से मैं लेकर आया हूँ ना कि मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। वहाँ पे मैं कैमरा भी माउंट नहीं कर सकता था वरना वो गड्ढों की वजह से गिरते रहता, पता नहीं कैसे आ गई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आ गई। चलो पहले चेक इन कर लेता हूँ, यहाँ से जाना है गाइस मुझे। तो बाप रे, गया मैं तो आज। रिसेप्शन कहाँ पे होगा? कोई है भैया? कोई है? रिसेप्शन कहाँ पे हो? हाँ यही है। यही है? मैंने बुकिंग करवाई थी। चलो कोई नहीं, आ जाओ। यहाँ से आई गेस व्यू अच्छा होगा ना? हाँ, व्यू के लिए तो कौन सा टेरेस? अच्छा टेरेस ही है। अरे वाह, बढ़िया। ये रूम फिर मैं यही वाला ले लेता हूँ। ये क्या चीज है यहाँ पे? ये खेती होती है? हाँ, यहाँ पे आलू मटर गोभी। इतनी ठंड में यहाँ पे उग जाते हैं? वो छह ही महीने होती है यहाँ पे ना, जैसे मार्च लास्ट में जैसे। अच्छा, गर्मियों में मतलब। गर्मियों में, उसके बाद नहीं, फिर छह महीने रेस्ट। अच्छा, जानवर वैसे कौन से होते हैं यहाँ पे? वो स्नो लेपर्ड वगैरह तो नहीं होता? स्नो लेपर्ड इस बार पहली बार देखा इधर अटल टनल के बाद। मतलब जैसे इस बीच में जैसे आपको यहाँ पे ये मिला पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मिला, हाँ याद है। उससे आगे जाके जैसे जो लास्ट गांव मिला उसके बाद आप जब आए तो जब तक पेट्रोल पंप नहीं तब तक तो आपको एक भी घर नहीं मिला। हाँ, या फिर कहीं खोके मिले होंगे या दुकान। हाँ, उस बीच में वहाँ पे स्नो लेपर्ड। हाँ, स्नो लेपर्ड तीन देखे, एक माँ और दो बच्चे। पहली कब की बात है? जनवरी की बात होगी शायद। अच्छा, पहली बार स्पीति में तो फिर बहुत है कहते ना। हाँ, काजा साइड तो मुझे पता है, किम के आसपास वहाँ पे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पहली बार सुना है। हमने भी यही देखा क्योंकि फेसबुक में देखा था, वहाँ पे कुछ लड़कों ने, तीन चार लड़कों ने मतलब उनको कैप्चर किया। अच्छा, तीन थे। और आगे जो गांव है ये सुमनम गांव, उसे आगे जाके ये है क्या, आईबेक्स। हाँ, वाले जो बकरी जो होते हैं। ये जो गांव नहीं है, घर दिख रहे ना, ये घर। हाँ, ये घर, ये सुमनम गांव है ना। हाँ, से काफी आगे जाके मतलब। हाँ, सुनो मतलब ये वो आईबेक्स पॉइंट है। ये जो जो रोड जा रही है ना। हाँ, जो मैं बताऊँ आपको ये। हाँ, यही वाली ये बेस्ट है क्योंकि ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पे मॉन्क भी रहते हैं। ये अच्छा। जो नीचे देख रहे हैं आप, ये जो घर सा बना हुआ है, येलो रेड छप्पर दिख रहा है आपको, इस साइड हो जाए यहाँ पे। अच्छा, हाँ ये मोनेस्ट्री है। अच्छा, एक इसके सीधे ऊपर देखो, एक सिंगल घर ऊपर मोनेस्ट्री के ऊपर, ऊपर सीधे ऊपर व्हाइट कलर का। ओ हाँ, वो मोनेस्ट्री, ये हमारा सबसे पुराना मोनेस्ट्री है, गुरु बंडाल। वो ऊपर वाली भी मोनेस्ट्री है, वो पुरानी वाली है। हाँ, और अब ये नीचे वाली नहीं है, ये तुपचिलिंग मोनेस्ट्री, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके पहले दिन वो आए थे जो उनके हमारे जैसे धर्म गुरु जो। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे दलाई लामा। हाँ, समझ गया। जैसे हमारे इस मोनेस्ट्री के धर्म गुरु मतलब अभी छोटे हैं। अच्छा, मतलब बहुत छोटे है, मतलब अवतार में निकले। इसके जो धर्म गुरु उनके मतलब निधन के बाद उनका अवतार जो है वो छोटा सा है। क्या एज होगी उनकी अभी? 12-13 साल या कुछ ऐसा होगा, छोटा जैसा है अभी तो। वो आए थे ना, वो आए थे तो वो रुके थे। जैसे आप फ्री हो गए, आप कभी भी आ सकते हो नीचे, ये हमारा नहीं कोई। आप जैसे क्योंकि हम लोग जितने भी गेस्ट हम लोग वहीं पे बिठाते हैं साथ। अच्छा, में भी फैमिली, वही होम स्टे वाला फीलिंग आना चाहिए। अच्छा, ना वैसे। हाँ भाई, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो आप हमारे साथ।
हाँ, ये नहीं कि आप फ्री हो, कि आप फ्री होना चाहिए, आप फ्री हो, आपका मन करे भाई मैं आऊँ नीचे तो आप तो डिनर वहीं पे कर लूँगा। हाँ, वही कर, ये रूम सर्विस नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, रूम सर्विस नहीं मिलता है। ठीक है ठीक है। हाँ, वैसे स्मोकिंग वगैरह करना होगा अंदर, नहीं मिलेगा स्मोकिंग तो मैं करता ही नहीं। हाँ, वैसे बाहर होगा। ठीक है, बाकी नहीं। ठीक है ठीक है। ये गाइस रूम का एक छोटा सा टूर ले लो। यहाँ पे कबर्ड है, नीचे वुडन फ्लोरिंग है, बेड, बेड के ठीक पीछे विंडो और ब्लैंकेट्स है बहुत सारी। इसके अंदर भी ब्लैंकेट्स ही ब्लैंकेट्स भरी पड़ी है और पिल्लोज भी है। ताले के अंदर क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ से व्यू है मेरे ठीक पीछे, मस्त व्यू है। और मुझे बिल्ली की मियाऊ मियाऊ की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से। और एक ये विंडो है, बहुत ही मस्त लग रहा है ऊपर से, ये तो स्पेशली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ 10,491 फीट पे, टेम्परेचर इस वक्त -5 हो रहा है। माय गॉड, रात को कितना जाएगा, -14 रात को 2 बजे। इसे क्या बोलते वैसे? दोचा। यही पे बनाते हैं ना। और इसे खाते कैसे, ऐसे चाय में डाल के? हाँ। ऐसे भी खा सकते हैं, सिंगल सिंगल करके। अच्छा, मतलब तोड़ के। ये आजकल बनाया था ना, क्योंकि 21 तारीख को इधर फेस्टिवल था ना हमारा, इस तरह से लेता हूँ। आटे से? हाँ, आटे में चीनी पूरी टाइप का। ये तो बन जैसा लग रहा है। अच्छा, अंदर से खोखला होता है। हाँ, इस पे ये पैटर्न होता है लकड़ी का, तो इस पे ये प्रिंट करते हैं इसको। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड का है, एकदम पूरी जैसे ही है, जैसे नॉर्मल पूरी होती है, बस थोड़ी फैट है तो अच्छी लग रही है। चलो तो फिर अब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ और इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, देखते कहाँ जाएंगे। मैंने पूछा उनसे नीचे, उन्होंने कहा कि ये केलोंग नहीं है, केलोंग से थोड़ा पहले है कुछ, पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया जगह। अपने आप ही भगवान मुझे उतरी कहाँ पहुँचा देते हैं, मुझे तो प्यार हो गया इस जगह से। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट संडे को सुबह 11 बजे। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say, fake it till you make it, A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay.